हो चुका है और मैं निकाल लूँ, जो कि ये मेरा पूरा फाइनल लुक आया है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई विश आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, और मैं घर पे कैसे पिज़्ज़ा बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी वेजिटेबल, ये मिक्स वेजिटेबल का पैकेट है, मैं ये लूँगी। और मैं लूँगी पनीर कुछ, और उसके बाद मैंने ये शिमला मिर्च लेकर आई थी कलरिंग का, ये लूँगी। तो मैं पहले पनीर और ये वेजिटेबल भिगा देती हूँ गर्म पानी में, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसको फ्राई करूँगी मैं। और तब तक चॉपिंग कर लेती हूँ शिमला मिर्च, कांदा, इन सब चीज़ों का। तो चलो फटाफट चॉपिंग करते हैं। ओके, तो मैंने गर्म पानी इसमें ले लिया है, अब मैं इसमें वेजिटेबल भिगा देती हूँ सारा। मैंने ये गरम पानी रख दिया है, इसमें वेजिटेबल डाल रही हूँ भिगाने, क्योंकि ना ये मैंने इसको ये इस पैकेट का डाल देते, इसको गरम पानी में डाल के भिगाना पड़ता है पहले। तो पनीर और ये मैं पहले गरम पानी में डाल दूँ, बस और डालो। हाँ, बस मोटा होके करो, थोड़ा और, दो तीन और। हाँ, बस देता हूँ, देखो कितनी मदद कर रहा हूँ बाबू तुम्हारी। ये वाला तो मैं इतने बड़े बड़े पीस कट कर रही हूँ शिमला मिर्च के। ये वाला ओके करो बाबू, ये ओके करो। ये है येलो, मैं तीनों कलर का कैप्सिकम लेके आई थी, क्योंकि पिज्जा में कैप्सिकम रहता है तो कलर तो अच्छा लगता है पिज्जा। ठंडे होने के लिए ठंडा आम खाएंगे, चीज कितना बारा गया। उन सब बेजीज को आपको अलग से पकाना पड़ेगा। मैं कर रही हूँ, तो ये प्याज को ऐसे मैं खोल ले रही हूँ ऐसे से टुकड़ों में। पनीर और ये वेजिटेबल मैंने गरम पानी में डाल दिया था, और ये सारे कैप्सिकम मैंने कलरिंग वाले पूरे वो कर लिए हैं, कट कर लिए हैं कैप्सिकम पूरे कलरिंग के। और ये कांदा है जिसका मैंने छिलका ऐसे पूरा निकाल के रख लिया है, इसको हल्का हल्का इसको रोस्ट करूँगी, फिर इसको करूँगी, फिर इसको करूँगी। मैं हल्का हल्का सारे वेजिटेबल पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, फिर उस रेडीमेड वाले रोटी में डालती हूँ। तो पहले मैं इसको फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया, पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म होगा तो मैं सबसे पहले भूनूंगी कांदा। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, और मैं इसको हल्का फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, नॉर्मल ही करूँगी। निकालूंगी भून के, इससे ज़्यादा नहीं भूनूंगी, नहीं तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा। इतना सही है, हल्का ही ब्राउन हो तभी आप पूरे प्याज को निकालें। तो अब मैं कैप्सिकम को फ्राई करूंगी, तो इसमें डालती हूँ।
दीजिए ताकि जल्दी फ्राई हो जाए। तो ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। मैं इसमें पनीर फ्राई करूंगी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जल्दी पक जाए। तो हमारा पनीर भी फ्राई हो चुका है, मैं इसको निकाल लूंगी। मैं इसी में ये मिक्स वेजिटेबल डाल दूंगी पकने के लिए। जैसे कि इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे जल्दी पक जाए। तो ये भी पक गया है, मैं इसको भी निकाल लूंगी। बटर लगा लूंगी अच्छे से, अब इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं ये रोटी दोनों साइड से सेक लूंगी। तो ये भी सीख चुका है। तो ये सब मैं जो फ्राई करके रखी थी वो सब रख ली हूँ, इसको भी मैंने पका लिया है। ये मेरा सेजवान सॉस है और ये सोया टमाटो सॉस है, तो इसको मैं फटाफट रेडी करती हूँ पिज्ज़ा। तो पहले मैं लगाऊंगी टमाटो सॉस। टमाटो सॉस मैंने लगा दिया, अब मैं लगा रही हूँ सेजवान, क्योंकि मेरे यहाँ सेजवान लोगों को बहुत पसंद है, थोड़ा स्पाइसी चटपटा सा। अब मैं डालूंगी यहाँ पे चीज़, तो ये है मोज़रेला चीज़, जो कि मैं पहले मोज़रेला चीज़ डालूंगी। चीज़
इसमें थोड़ा अच्छे से डाल दो क्योंकि मेरे यहाँ चीज़ लोग ज़्यादा खाते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें डाल सकते हो जो आपको ज़्यादा कम पसंद हो। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मिक्स वेजिटेबल बनाई थी ये डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो वेजिटेबल आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि पिज्जा में ये चीज़ नहीं पड़ता, ये नहीं, पिज्जा में सब कुछ पड़ता है, जो आपका मन वो आप डालें। अब मैं ये पनीर डालूंगी। तो अब मैं पनीर डालूंगी इसमें। और ये जो मैंने फ्राई करके रखा था कैप्सिकम वो डालूंगी। मैं वेजिटेबल थोड़ा भर भर के डालूंगी क्योंकि पिज्ज़ा में वेजिटेबल बहुत अच्छा रहता है और ऐसे पे हमारे बॉडी में भी चले जाता है तो सही रहता है ऐसे बॉडी के लिए भी। और ये रहा कांदा जो मैंने फ्राई करके डाला था, इसको भी मैं इसे डाल दूंगी। ये पकेगा कैसे बता रही हूँ। देन फिर मैं इसको थोड़ा सा चीज डाल दूंगी। तो ये बन गया हमारा पिज्जा। अब ये मैं सीखने जा रही हूँ पिज्जा मेरा फाइनल। तो ये हमारा पिज्जा जो कि ये मेरा पूरा फाइनल लुक आया है। वेजिटेबल तो आपको पता है पहले से ही पक गया है, बस इसको पकाओ और खाओ। तो ये अब मेरा पिज्जा पूरा पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ। तो ये मेरा पिज्जा बनके रेडी है। आप लोग बताना कि कैसा बना है कैसा नहीं, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। तो आप लोग भी अपने घर में पिज़्ज़ा ऐसे ही बनाएं और एंजॉय करें। तो ये देखो, ये मेरा पिज़्ज़ा बन गया है। आप लोग तो देखे ही, मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, ये बहुत अच्छा बना है और मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ इसको खाने। और तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही हम धमाकेदार न्यू वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। ओके, बाय बाय।